फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, दिवाली आ रही है तो दिवाली के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि इस साल दिवाली में 2022 में कि कौन से जो शेयर्स हैं वो बेस्ट परफॉर्म करके हमें अच्छे से अच्छा जो रिटर्न निकाल के दे सकते हैं, बेस्ट रिटर्न बना के दे सकते हैं। और दिवाली के स्टॉक्स की लिस्ट आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 5 शेयर हैं जो है वो चूज़ कर लिए गए हैं। जो फर्स्ट वाला है वो है VIP इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और ये जो शेयर है ये लगेज मैन्युफैक्चरिंग में काम करता है, जैसे कि बैग्स बनाना और डिफरेंट टाइप्स के, इसका जो बहुत सारा जो है इसका काम चलता है। और इसी के साथ जो है वेदांत फैशन लिमिटेड एक है सेकेंड वाला, और थर्ड वाला जो है वर्लपूल इंडिया, ये वाला सेक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। और फोर्थ जो है एशियन पेंट में है, जो बहुत ही बड़ी नामचीन कंपनी है जिसके बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि वो कंपनी जो कितना टर्नओवर करती है और कितना ज़्यादा रिटर्न बना के देती है, और डिविडेंड का तो बस भाई बात ही नहीं है वहाँ पे। और पांचवा कंपनी जो आता है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये एक नॉन बैंकिंग है लेकिन सभी बैंकों का भी बाप बन चुकी है कंपनी। 2005-06 में ये कंपनी जो है सॉरी 2008-09 में ये कंपनी 5 रुपये से शेयर इसका चलना शुरू हुआ था, और आज आप देख सकते हैं कि 8-9 हज़ार रुपये से ज़्यादा ये जो शेयर है इसका कीमत बन चुका है। और तो चलिए देखते हैं हम इसका वन बाय वन कि कौन सी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा जो है हमें फ्यूचर ग्रोथ देख सकते हैं, हम क्या इसमें बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं वगैरह हैं सब देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला स्टॉक है वो है VIP इंडस्ट्री लिमिटेड, और ये जो शेयर है ये जो कंपनी है ये मेनली जो है मैन्युफैक्चर करती है लगेज वाले बैग्स और अदर एक्सेसरीज़ को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मार्केट कैप है वो है 9,759 करोड़ रुपीज़ का, और इसी के साथ इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 689 रुपीज़ है, और इसका 52 वीक लो जो है वो है 775 रुपीज़, और इसका 52 वीक लो जो है वो है 492 रुपीज़। स्टॉक पी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है और इंक्रीज़ हुआ है बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा, और अच्छी पोजीशन में ये ट्रेड कर रहा है शेयर। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.36% का। ROE ROC दोनों के दोनों बेहतरीन पोजीशन में है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपीज़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आधे की आधा है, मतलब 50.8% की जो है प्रमोटर होल्डिंग है, और 50.80 ऐसा भी बोल सकते हैं। और कंपनी के ऊपर जो है अपना टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट की नज़रों में, और फ्यूचर में जो है अच्छा ग्रोथ करने के लिए कंपनी ने जो है थोड़ा सा डेप्थ भी लिया हुआ है, और डेप्थ जो है वो है 298 करोड़ रुपीज़ का, और डेप्थ टू इक्विटी अगर कन्वर्ट करेंगे हम तो वो बनती है सिर्फ और सिर्फ 0.53% की, यानी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है। हम यहाँ पर इस दिवाली पैसा इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। और आप अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। और इसी साथ अगर कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा हाई ट्रेड कर रहा है, और सेल्स ग्रोथ कम है, और इसके अलावा कंपनी ने लो रिटर्न दिया हुआ है। और अगर इसके प्रोडक्ट में जो कंपैरिजन में अगर हम चेक करेंगे तो अपने सेक्टर की लीडर है ये कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ सफारी इंडस्ट्रीज़ ही है, और अपने सेक्टर की ये जो कंपनी है ये लीडर है, और यहाँ पे आपको फ्यूचर में जो है बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको इसका बताना चाहूँगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी खासी और बहुत बड़ी जंप वाली ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है उछाल देखने को मिल रहा है, और बेहतरीन तरीके से खुद कंपनी जो है परफॉर्म कर रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर हम देखते हैं तब भी यहाँ पे कंपनी ने जो ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया हुआ है, तो आप यहाँ से बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। निगेटिव की ओर से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और अगर इसकी बैलेंस शीट की ओर अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के पास जो रिज़र्व है वो 531 करोड़ रुपीज़ का जो है इसके पास रिज़र्व है, यानी कंपनी के पास अपने डेप्थ से ज़्यादा रिज़र्व है मौजूद। और आप यहाँ पे इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास जो अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमेशा कंपनी ने बनाए रखी है, और कंपनी ने इस क्वार्टर में अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज़ की हुई है, और साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ की हुई है। और यहाँ पे पब्लिक के पास ही सिर्फ माल कम बचा है, आप यहाँ पे इस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने सेकंड स्टॉक की ओर देखते हैं। हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स लिमिटेड, ये कंपनी जो है 1942 में यानी भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही एस्टेब्लिश हो गई थी, और ये कंपनी का जो मेनली काम है वो है
बहुत ही लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करता है पेंट की। और ये जो कंपनी है ये 15 कंट्रीज़ में ऑलरेडी जो है वर्किंग पोजीशन में है। और इसी के साथ साथ जो है इसके जो कस्टमर्स हैं वो 60 कंट्रीज़ से ज़्यादा की जगह में हैं। और अगर हम इसका मार्केट कैप की बात करेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट और हाईएस्ट मार्केट का में मार्केट में से एक है। 3,01,274 करोड़ रुपीज़ का जो है इसका मार्केट कैप है। इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो 3,141 रुपीज़ का मार्केट प्राइस चल रहा है। 52 वीक जो हाई है इस शेयर का वो है 3,590 रुपीज़, और 52 वीक लो जो है वो है 2,560 रुपीज़। स्टॉक पी 80 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू 147 रुपीज़ का है। और डिविडेंड बहुत ही बेहतरीन है ये शेयर में। अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ डिविडेंड से ही करोड़पति बन जाएंगे 10 साल के। तो डिविडेंड में यहाँ पे देख सकते हैं 0.61% का जो है डिविडेंड है इसका। आरओसी आरओई दोनों बेहतरीन पोजीशन में है। और फेस वैल्यू जो है इसका 1 रुपीज़ का है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे आधे से ज़्यादा है, यानी 52.60% की प्रमोटर होल्डिंग है। और डेप्थ कंपनी के ऊपर बहुत ही नाव के बराबर है, 1,866 करोड़ रुपीज़। और अगर इसे इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.13% का सिर्फ और सिर्फ डेप्थ है। और अगर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई प्रोज ही प्रोज है, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कंपनी ने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रिकॉर्ड ट्रैक कायम कर रखा है, और इसी के साथ जो हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट करने का रिकॉर्ड है कंपनी के नाम पे। और साथ ही साथ अगर कॉन्स की बात करेंगे तो अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, यही एक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने सेक्टर की लीडर कंपनियों में से एक है एशियन पेंट, और इसके जो है आसपास भी कोई कंपनी नज़दीक नहीं है। कंपनी जो है बेहतरीन तरीके से खुद को ग्रो कर रही है। आप यहाँ पे पैसा आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमेशा इंक्रीज ही होती गई है। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुद को प्रूव किया है कंपनी ने। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों जगह में भी कंपनी ने जो है एक अच्छा खासा बना के दिया हुआ है। और अगर हम इसके रिज़र्व की बात करेंगे तो 14,000 करोड़ रुपीज़ का जो इसके पास है रिज़र्व है। और अगर हम कैश फ्लोज़ की यहाँ पर अगर हम नीचे आएंगे प्रमोटर होल्डिंग्स के यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर के पास भी अपनी अच्छी खासी होल्डिंग बनाए रखी हुई है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है इसकी वजह से कुछ हद तक माल अपना बेचा है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना माल यहाँ पे वापस जो है बढ़ाया है, इनकी हिस्सेदारी को कॉन्स्टेंटली बढ़ाते रहे हैं। और गवर्नमेंट बैंक के भी यहाँ पे जो है स्टेक्स हैं वो 0.04% के, और पब्लिक के पास भी इसका सिर्फ और सिर्फ 20.37% की हिस्सेदारी है, और बाकी 0.04% की जो है म्यूचुअल फंड LIC वालों के पास है। तो ये शेयर भी फ्यूचर में बहुत बेहतरीन ग्रोथ दे सकता है, तो हम इस शेयर में बने रह सकते हैं। तो हमारा तीसरा जो शेयर है वो है वर्लपूल ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो कंपनी है एक ये किसी नाम मोहताज नहीं है किसी को बताने की। ये जो कंपनी है प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो बनाती है होम अप्लाइसेंस के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है एक मिड कैप कंपनी में से आती है। इसका जो मार्केट कैप है वो है 20,878 करोड़ रुपीज़। करंट प्राइस जो चल रहा है 1,646 रुपीज़ का। इसका 52 वीक हाई जो है वो है 2,387 रुपीज़, और 52 वीक लो जो है वो है 1,365 रुपीज़। अपने 52 वीक लो से थोड़ा सा ही ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हम इसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। स्टॉक PE जो है 64 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू से काफ़ी अच्छी पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी कंपनी देती है। और यहाँ पे गजब की बात यह है कि ये कंपनी का जो है फेस वैल्यू 10 रुपये का है, यानी फ्यूचर में जो कंपनी है स्प्लिट बोनस दे सकती है हमें। और इसके अंदर अगर प्रमोटर की होल्डिंग ROC ROE दोनों बेहतर है, प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 75% की, अगर इसमें पैसा लगा दला तो लाइव झींगा लाला। और डेप्थ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी सेम केस है। कंपनी जो है टैक्स में अपनी कुछ छूट पाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए 134 करोड़ रुपीज़ का सिर्फ टैक्स जो है डेप्थ है। और अगर इसे इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04% की सिर्फ और सिर्फ इक्विटी जो है डेप्थ में है। और अगर हम प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। और जो कॉन्स की बात करेंगे तो बहुत ही कम रिटर्न बना के दिया है, डिविडेंड पे आउट भी थोड़ा सा कम ही है। और अगर हम इसके सेक्टर की बात करेंगे तो अपनी ये भी से कंपनी जो है इसके सेक्टर की लीडिंग कंपनियों में से एक है। आप यहाँ पर भी पैसा बनाने की सोच सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है प्रॉफिट ही हुआ है।
और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका सेल शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे इसके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है ना एक पॉइंट से भी घटाई है ना एक पॉइंट से भी बढ़ाई हुई है। कॉन्स्टेंटली 2019 से प्रमोटर होल्डिंग जो चलती आ रही है वैसे ही है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अपना यहाँ पे माल थोड़ा सा कम किया है, लेकिन वही जो माल है शेयर्स हैं वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए हैं और अपनी हाईएस्ट पोजीशन की जो है ग्रोथ बना के बैठे हुए हैं। और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 9.70% की ही हिस्सेदारी है। तो चलिए हम हमारे चौथे शेयर की ओर देखते हैं। तो हमारा चौथा शेयर आता है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। और ये जो कंपनी है इसके ऊपर मैंने तो पहले भी वीडियो बना के रखा है, बहुत ही गजब कंपनी है। 5 रुपये से चलना शुरू हुआ था और आज देखिए जो है 7,500 तक का ये चल चुकी है कंपनी। और फाइनेंस सेक्टर की एक टॉप लीडिंग कंपनियों में से एक है। रूरल और अर्बन जो कस्टमर्स हैं ये कंपनी जो है मेनली लोन डिस्ट्रीब्यूट करने में काम करती है, होम अप्लाइंसेस चीज़ों में और वगैरह वगैरह। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बड़े स्केल पर 4,49,979 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो चल रहा है वो है कंपनी का 7,432 रुपीज़ का, और इसका 52-वीक हाई जो है वो है 8,045 रुपीज़, और 52-वीक लो जो है वो है 5,220 रुपीज़। स्टॉक पी जो है कम है 45 रुपीज़ का। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.27% की। आरओई आरओसी दोनों के दोनों बेहतर है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। प्रमोटर होल्डिंग 55.90 की पर है और डेप्थ यहाँ पे 1,83,273 करोड़ रुपीज़ का है। अगर इसे इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3.81% की जो है यहाँ पे डेप्थ है। अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी जो है अच्छा क्वार्टर यहाँ पे दे सकती है करके आ रहा है, लेकिन कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शानदार परफॉर्म किया है कंपनी ने। और जो डिविडेंड भी एक हेल्दी देती है और स्टॉक भी जो, और इसके अगर कॉन्स की बात करेंगे तो बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।